हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका वापस से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके। ये टॉपिक है ना, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट स्टिल क्या होता है ना, हम कभी कभी सिंपल चीज़ों में ही गड़बड़ करते हैं, ठीक है। और वो क्या करती है, कलेक्टिवली फिर जो उसका इम्पैक्ट होता है ना, वो हम समझ नहीं पाते हैं कि वो एक्चुअली ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ हाउ टू रिमूव मेकअप। ओके, जैसे एक अच्छे क्वालिटी का मेकअप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि यार बेकार मेकअप नहीं लो ताकि स्किन अच्छी रहे। सिमिलरली देयर शुड बी अ प्रॉपर वे टू रिमूव मेकअप। अगर आप एक प्रॉपर तरीका नहीं यूज़ करोगे ना रिमूव करने का मेकअप को, तो क्या होगा ना कि वो मेकअप अगर आपकी स्किन में रह गया, तो कितना भी अच्छा मेकअप हो, वो कुछ तो रिएक्शन करेगा। आपकी स्किन अगर यू नो क्लीन नहीं है, तो वो पिंपल, क्लॉगिंग, यू नो एक्ने, ये सारी चीज़ों में रिजल्ट करेगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, चाहे डर्ट हो, चाहे मेकअप हो, अगर वो स्किन पे रह जाता है, उसके एडवर्स इफेक्ट ही होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये समझो कि मेकअप रिमूव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेकअप अप्लाई किया, शाम को फेस वॉश कर लिया, ख़त्म। ऐसे नहीं होता, ऐसे क्लीन नहीं होता फेस। तो आज मैं इस वीडियो में एक प्रॉपर तरीका डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपको एक यू नो एक इट विल प्रोवाइड अ वे कि कैसे हमें मेकअप को टोटली रिमूव करना है अपनी स्किन से, ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे, पिंपल फ्री, यू नो और यू और सारी चीज़ों से यू नो फ्री रहे। ओके, सो लेट्स गो। मैं मेकअप रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ करनी है, एक चीज़ याद रखिएगा, या तो मेकअप रिमूव करना है या तो मेकअप अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको पूरे हेयर्स को टाई करके पीछे करना है, ठीक है। टाई कर लोगे ना, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू। ओके, सो ये बेसिक स्टेप है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ फॉर रिमूविंग द मेकअप, आई एम यू नो डिवाइडिंग दिस होल प्रोसेस इनटू टू स्टेप्स। नाउ प्री क्लींस को भी मैं फर्दर टू स्टेप्स में डिवाइड कर रही हूँ, उसके बाद वी विल डू द डीप क्लींस पार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट नंबर, प्री क्लींस। ओके, नाउ इन प्री क्लींस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट यूज दिस इज यू नो बेसिकली इज द फेशियल वाइप्स। ओके, फेशियल वाइप्स को हमको लेना है, ठीक है। ये क्या होता है फेशियल वाइप्स, इनिशियली आप लोगे वेट वाइप्स लीजिएगा। ओके, वेट वाइप्स को आपको लेना है, वेट वाइप्स को यू नो प्रॉपरली अभी आपको स्टार्ट करना है एक तरफ से। एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बोलती हूँ, वो ये करिएगा कि कभी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है आपको अपनी स्किन के साथ, ठीक है। दैट उसके बहुत ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपको रिंकल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपको पोर्स बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ना जितना सॉफ्ट हो सके ना आपको स्किन के साथ, उतना सॉफ्ट होना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, एकदम हल्के हल्के हाथों से अपने स्किन में से जो मेकअप है ना, उसको रिमूव कर रही हूँ। क्या किया है मैंने ना, पहले ही मेकअप अप्लाई करा था, ठीक, ताकि मैं आपको बता सकूं। आई हैव अप्लाइड बीबी क्रीम, आई हैव अप्लाइड लिपस्टिक, आई हैव अप्लाइड मस्कारा, एवरीथिंग आई हैव अप्लाइड। ओके, सो यू कैन सी ना कि मैंने काफ़ी अच्छे से क्लीन कराया है इसको, ठीक है। और आप मेकअप नेक पे अप्लाई करते हैं, तो नेक पे मेकअप रिमूव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। I have done the first process of pre-cleans, ठीक है। Still आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि हम you know आजकल transfer proof lipsticks use करते हैं, काफ़ी अच्छी lipsticks use करते हैं, तो उनके कुछ कुछ trashes अभी भी हैं। okay? तो here comes the second part of pre-cleans, that is using a micellar water, okay? So here I am using this Garnier micellar oil infused water, ठीक है। मैंने इसका कंप्लीट रिव्यू किया हुआ है, इफ़ यू वांट आई विल आल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप देख सकते हैं। बस एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हमेशा याद रखना, ऑयल इन्फ्यूज्ड मिसलर वाटर ही यूज़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है ना वो प्रॉपरली मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक। तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगी, इसको मुझे कुछ नहीं है। एक हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑयल इन्फ्यूज मिसलर वाटर को यूज़ करने से पहले प्रॉपरली शेक करिए, नहीं तो उसका क्या होता है ना, जो ऑयल होता है ऊपर की लेयर में रह जाता है और आप उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाते फिर, ठीक है। नाउ आई हैव टेकन दिस इन द कॉटन पैड।
Now I will start again, okay? I'll start again with the same soft hands. आपको बहुत ज़्यादा harsh नहीं होना है, okay? Now it's oil based in few, micellar water. So आपका जो waterproof mascara है ना, वो बहुत अच्छे से remove हो जाएगा इससे. Now here comes the lipstick. सिमिलरली आपको नेक को भी अच्छे से क्लीन करना है. ओके, यस. सो इट्स नाउ आई थिंक properly clean. See, okay. अब मैं difference बताती हूँ. This was the facial wipe which I have used. See, हमें लगता है कि हमने facial wipe से properly इसको remove किया ना, तो सब सही remove हुआ. देखा आपने? Now see, इसके बाद भी we have the trash of makeup. See, तो ये डिफरेंस होता है. हमको दो बार क्लीन करना पड़ेगा ताकि ये जो मेकअप की लेयर है ना, ये रिमूव हो सके. इसके बाद हम मूव करेंगे अपने सेकंड स्टेप पे. तो फॉर द सेकंड स्टेप, दैट इज द मेन क्लींजिंग पार्ट, इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने अपने फेस को, इफ यू कैन सी, जस्ट डैम्प किया है वाटर से. ओके, थोड़ा सा डैम करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करना है. आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू विच सूट्स टू योर स्किन. ओके, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आप यही फेस वॉश यूज़ करो. ठीक है, मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि वेन एवर आई डू यू नो अ लिटिल बिट हैवी मेकअप लाइक बीबी यू नो प्राइमर एवरीथिंग, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें हैं माइन्यूट पार्टिकल्स जो कि स्क्रबिंग का भी काम कर देते हैं साथ में. ठीक है, सो आई यूज़ दिस. अभी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हमें कैसे हमें फेस वॉश के लिए फेस वॉश करना होता है. ओके, आई हैव टेकन अ पी साइज अमाउंट ऑफ फेस वॉश. Now I will just you know rub it in my hands and I will start you know like this. Okay, I'll just, you have to do like that. Okay, now do it very gently. As I said earlier many times, I know I'm बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, पर अब क्या करूँ, simply ऐसे करो. एक बहुत की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. फेस वॉश को मिनिमम 40 सेकेंड आपको ना अपने फेस पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में, ओके, लाइक दैट, ऐसे करके, ठीक है, सर्कुलर मोशन में वॉश करना है. ये जो प्रोसेस है ना सर्कुलर मोशन की, ये आपके फेस को बहुत अच्छे से डीप क्लींस करेगी. ओके, apply it in just like washed my face. Now what you have to do next is simply take a clean towel, just you know pat over your face and pat it dry. One more time I'm saying, harsh mat ho, normally acche se clean kar aur tap pat karke excess water ko remove karo. Okay, so like that. Now द इम्पॉर्टेंट थिंग, आफ्टर यू हैव वॉश्ड योर फेस, एक चीज़ है जो आपको कभी नहीं भूलनी है, वो है टोनर. सो ध्यान रखिएगा कि हमेशा टोनर को अप्लाई करिए, और रात में टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप ऐसे अच्छे से डीप क्लींस करते हो ना, तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जब पोर्स ओपन हो जाते हैं ना, तो उनको क्लीन करना, उनको यू नो क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है. आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी कि कैसे मेकअप को प्रॉपर तरीके से रिमूव करना है. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो यू नो मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करिए. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर